जब जब दुनिया में जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। हमारी बहू थी अंजलि जी, उसकी मौत हो गई। खुदकुशी की उसने। खुदकुशी? खुदकुशी नहीं, खून किया गया उसका। हाँ, खून किया गया उसका सैम साहब, खून। मेरा साहब, उसने खुदकुशी की या उसका खून किया गया? गोपी जी, पुलिस का तो कहना है कि उसने खुदकुशी की, लेकिन सैम साहब, मुझे शक है कि उसका खून किया गया है। ये कहां हुआ? क्या बताएं सैम साहब, इन बच्चों को हर हफ्ते सैटरडे संडे कहीं बाहर घूमने का शौक था, तो निकल जाया करते थे मड आइलैंड, किसी होटल में रहते, स्विम करते, हंसते खेलते और मंडे को सवेरे वापस लौट आते। वो यहां से होटल में आ जाती थी, मैं भी सीधा दफ्तर से वहीं पहुंचता था। मेरे कपड़े वो एक बैग में डालकर ले आया करती थी। बस वहीं पर तैयार होकर हम दोनों कैंडल लाइट डिनर किया करते। अगले दिन हम लोग बीच पर स्विमिंग के लिए जाते थे सैम साहब। वी शुड रियली प्ले, एंजॉय आवरसेल्फ्स सैम साहब, हैव अ ग्रेट टाइम। उसके बाद मंडे को वापस घर आ जाते थे। लेकिन एक दिन जब मैं होटल पहुंचा सैम साहब, आर यू मिस्टर मेहरा? यस, प्लीज कम इन। क्या बात क्या इंस्पेक्टर साहब? उसकी मौत हो चुकी थी सैम साहब, वो जल के मर चुकी थी। किसी ने खून कर दिया था उसका सैम साहब, किसी ने खून कर दिया था उसका। दिनेश, रिलैक्स। लेकिन पुलिस का मानना है कि यह खुदकुशी है। नहीं नहीं, क्यों करेगी वह खुदकुशी? आप बताइए ना मुझे, क्यों करेगी वह खुदकुशी? इतना प्यार मिला था उसे इस घर में, वो खुद मुझे कितना प्यार करती थी। I love you. फिर से कहो। I love you. ओ अंजलि। क्यों करेगी वह खुदकुशी? वह खुदकुशी कर ही नहीं सकती, वो खुद मुझे कितना प्यार करती थी। She could not have committed suicide. भैया। नहीं मिसेस मेहरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी बहू के साथ संबंध कैसे थे। मेरा मतलब है कि कभी कोई तकरार या? सैम साहब, ये सास बहू तो आपस में सहेली जैसी थी।
ले बेटी ये साड़ी तू पहन ले, अच्छी लगेगी। नहीं नहीं मम्मी, ये साड़ी आप रख लीजिए। नहीं नहीं मैं कहती हूँ ना, तू पहन ले, जिद नहीं करते, पहन ले। नहीं मम्मी, इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगेंगी, डैडी फिर से मर मिटेंगे आप पर। चल हट, नटखट कहीं की, मजाक करती है। सैम साहब, अंजलि तो मेरे लिए बेटी जैसी थी, इतनी सेवा, इतनी सेवा। डैडी ये चाय और ये गोली लेना मत भूलिएगा। बेटी तुझ जैसी बहू सबको मिले, कितना ख्याल रखती हो अब सबका। भाभी तो इतनी घुल मिल गई थी हमारे घर में, जैसे शुरू से ही हमारे घर की हो। अनीता देखो मेरे फोटोग्राफ दे दो प्लीज। अनीता अनीता मेरी मजाक कर रही है, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। मम्मी देखो मेरी। अरे अरे क्यों सता दे इसे, ले। अरे भाई ऐसा क्या है तस्वीरों में? डैडी हनीमून की तस्वीरें हैं। ओह फिर तो अभी इजाजत नहीं है देखने। भाभी मेरी। सैम साहब दिनेश ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, अंजलि का खून किया गया है, वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती। नो, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। आप लोगों को किसी पे कोई शक? गोपी जी अगर शक होता तो पुलिस से कहकर गिरफ्तार नहीं करवा देते। पॉइंट तो ठीक है, आज से ये तहकीकात शुरू होती है, बल्कि अभी से, और बहुत जल्द आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। मिसेस मेहरा, मिस मेहरा, गोपी चलिए। हौसला रखो बेटे, इन्होंने कह दिया है ना, अब सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। हाँ भैया। हाँ बेटे धीरज रखो। हाँ आइए आइए खन्ना साहब। सैम साहब ये है खन्ना साहब, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो, प्लेजर मीटिंग यू। अच्छा मेहरा साहब चलें, फिर मुलाकात होगी। जी हाँ मिस्टर खन्ना। गुड डे सर। ओके मेहरा साहब। आइए खन्ना साहब। खन्ना साहब ये जो अंजलि का केस है ना, मैंने सैम साहब को दे दिया है। यानी अब शुरू हो गई तहकीकात? जी हाँ तहकीकात शुरू हो गई। इंस्पेक्टर शिंदे, आप तो अंजलि मेहरा के केस के इंचार्ज थे, आपकी तहकीकात क्या कहती है कि ये खुदकुशी थी या कत्ल था? आप तो जानते हैं सैम साहब कि इन हालातों में किसी की बहू की मौत होने पर हमारा पहला शक उसके पति पर और उसके ससुराल वालों पर जाता है। लेकिन सैम साहब इस केस में ससुराल वालों का अपनी बहू से बहुत प्यार था। अब देखिए ना, ससुराल वालों ने ही आपको इस केस की तहकीकात करने के लिए कहा। इंस्पेक्टर शिंदे, खुदकुशी या कत्ल? अब देखिए ना, ससुराल वाले तो यही कहते हैं कि ये कत्ल है, खून है। देखिए मैं जो दे, आप बात को बहुत लंबा खींच रहे हैं। अब ये बताइए कि ये खुदकुशी का केस है या कत्ल का? खुदकुशी। पर सैम साहब ये मत पूछिएगा क्यों, सब कुछ तो था उसके पास। अच्छा ऐसा कीजिए, जरा इस कॉर्नर पर रोक दीजिएगा, हम उतर जाएंगे। ओके। पर सैम साहब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो गोपी। थैंक यू इंस्पेक्टर। इट्स ऑल राइट सर, आप अपनी तहकीकात जारी रखें। थैंक यू। आइए आइए अंदर आइए। यही वो कमरा है जहां मिसेज अंजलि मेहरा ने खुदकुशी की थी। ये सारा कारपेट जल गया था और दीवारों पर काले धब्बे पड़ गए थे। नहीं लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। अरे हमने पैसा पानी की तरह बहा है, टिपटाप हालत में रखा है। हाँ काफी अच्छा लग रहा है, काफी पैसा। ओह हाउ नाइस यू हैव अ फ्रिज। ये फ्रिज खाली पड़ा, मैंने बंद भी कर रखा आपने से? जब इस रूम में कोई रहने को तैयार नहीं है तो इसको भर के रखने से फायदा क्या? क्यों? अरे लोग अब भी यहाँ पर रहने के लिए डरते हैं, यू नो भूत प्रेत का चक्कर। भूत प्रेत? मैं कुछ समझा नहीं। अरे उस लड़की ने आत्महत्या जो की थी यहाँ पर, लोग अब भी समझते हैं कि उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। आत्मा? आर यू श्योर? अरे सैम यहाँ तो आत्मा का चक्कर है। हाँ गोपी
लेकिन ये केरोसिन लैंप यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या है कि पावर कट की वजह से कभी कभी बिजली चली जाती है, इसलिए हमने इसे एहतियात के तौर पर यहाँ रखा है ताकि इमरजेंसी में इसे जलाया जा सके। पावर कट हो जाता है? हाँ जी। और लाइट चली जाती है ऐसे? ये क्या क्या कर रहे हो सैम, ये लाइट क्यों बंद कर दी? शायद उस रात भी इस तरह लाइट चली गई हो और अंजलि ने इस तरह माचिस जलाई हो और इस माचिस से लैंप जलाया हो इस तरह। इसको लेकर वो जाती हो क्या अचानक उसके हाथ से? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लैंप गिर गया हो, केरोसिन कारपेट पर फैल गया हो, आग लग गई हो और उसकी साड़ी जल गई हो। तो इसका मतलब ये हुआ ना उसने खुदकुशी की ना उसका मर्डर हुआ, इट्स अ सिंपल एक्सीडेंट, तहकीकात खत्म। फिर भी उसका पति क्यों बार बार ये कहता जाता है कि ये खून था? तुम कौन हो? अरे मेहता सर, ये हमारे होटल का रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट है तो बाहर क्यों खड़े थे, अंदर आते? सर वो मैं पूछने के लिए आया था कि आपको कुछ चाहिए, तो इसलिए मैं। झूठ बोल रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लगता है कुछ कहना चाहते हो, बोलो। नहीं सर, वो मैंने कुछ देखा था। देखा है? क्या देखा है? इधर आओ, क्या देखा है बोलो। सर वो हाँ बोलो। सर मिस्टर मेहरा के आने से पहले अंजलि से मिलने कोई दूसरा आदमी आया था। वारदात की रात जिस रात अंजलि की मौत हुई? जी। कौन था, कैसा था? सर वो कुर्ता पजामा पहन रखा था और आंखों में चश्मा लगाया हुआ था। नंबर वाला चश्मा? नहीं सर, काला चश्मा पहन रखा था। काला चश्मा, फिर? उसने मुझसे अंजलि के कमरे का नंबर पूछा और सीधा ऊपर चला गया। ये बात तुमने पुलिस को बताई क्यों नहीं? पुलिस ने कह दिया कि सुसाइड का केस है, इसलिए मैं चुप रहा। तुमने बहुत गलत किया। सॉरी सर। अब हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। गोपाल जी, हमें बड़ा दुख है कि आपकी बेटी अंजलि का है इस तरह। पर आपने ये तहकीकात शुरू क्यों कर दी भाई? अंजलि ने खुदकुशी की थी, वो मर गई, मगर अब तो कम से कम। देखिए देखिए गोपाल जी, अंजलि के ससुराल वालों को शक है कि अंजलि ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका खून किया गया है। ये सब बेकार की बातें हैं भाई। अच्छा, अंजलि ने अगर खुदकुशी की तो क्यों की? वो मैं नहीं जानता भाई साहब। देखिए मेरी आपसे दरख्वास्त है जनाब अली कि आप ये तहकीकात करना बंद कर दीजिए, प्लीज बंद कर दीजिए। अच्छा, कोई एक आदमी है, अंजलि उसे जानती थी, कुर्ता पजामा पहनता है, काला चश्मा, शायद नंबर वाला, वो विलास। विलास कौन है ये विलास? वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, मगर आप विलास के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अंजलि के साथ ज्यादा फ्रेंडली था? वो मैं नहीं जानता। अच्छा, अंजलि की एक छोटी बहन है कंचन, आपको उसे क्या लेना देना? शायद वो हमें विलास के बारे में कुछ बता दे, क्या है कभी कभी बहनें एक दूसरे को हर राज बताती हैं। देखिए भाई साहब, कंचन पहले ही अपनी बहन की मौत से परेशान है, भगवान के लिए आप उसे और परेशान मत कीजिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उसे परेशान नहीं करेंगे, सिर्फ एक सवाल पूछेंगे और चले जाएंगे। वो यहाँ है नहीं, कानपुर में रहती है, वहीं पढ़ती है। हमें वहां का टेलीफोन नंबर दे दीजिए, हम टेलीफोन पर बात कर लेंगे। टेलीफोन नंबर नहीं है, आप उसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप हमें विलास का पता तो दे सकते हैं? यस, आप ही विलास हैं? जी हाँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी, आप किस सिलसिले में आए? हम तहकीकात कर रहे हैं मर्डर की। कहीं आप अंजलि? जी हाँ, उसका नाम आपकी जबान पर आ ही गया, अंजलि के मर्डर की। अब हम अंदर आ सकते हैं?
जी हाँ आइए। आइए बैठिए। विलास साहब, ये काला चश्मा आपने नजर की कमजोरी की वजह से पहन रखा है या आंखों में कोई तकलीफ है? ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ। जरूर पूछ सकते हैं। मैं इस काले चश्मे से काले दिल वालों को और काली करतूत वालों को साफ देख सकता हूँ। और मुझे भी अपने काले चश्मे से हर अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। लेकिन आप इस काले चश्मे की वजह से पहचाने भी जा सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि सी व्यू होटल के रिसेप्शनिस्ट ने आपको पहचान लिया इस काले चश्मे की वजह से, याद रखा, हमें बताया। होटल सी व्यू? जी हाँ, जहाँ अंजलि का खून हुआ था। आप उस रात गए थे ना वहाँ? ये झूठ है, मैं अंजलि से एक अरसे से नहीं मिला हूँ, बस कभी कभार फोन पर बात हुआ करती थी। लेकिन मिस्टर विलास, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हूबहू आपका हुलिया कैसे बताया? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? वहाँ आपकी शनाख्त की जाएगी। अगर 12 आदमियों के बीच में उस रिसेप्शनिस्ट ने आपको पहचान लिया तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? मैं भी देखता हूँ आप मुझे कैसे गिरफ्तार करते हैं। मैं भी तैयार होकर आता हूँ, तब तक आप इंतजार कीजिए यहाँ पर, मैं आपके साथ चलता हूँ और फिर मैं देखता हूँ मुझे कैसे गिरफ्तार करते हैं। यू प्लीज वेट, मुझे गिरफ्तार करेंगे आप? जस्ट वेट, प्लीज वेट फॉर मी, गिरफ्तार करेंगे मुझे। बहुत देर लगा दी सैम साहब, कहीं भाग तो नहीं गया? आओ देखते हैं। आइए सर। विलास, विलास, लगता है भाग गया। Yes, sir. He's dead. आप जाइए इंस्पेक्टर, और एक एम्बुलेंस का इंतजाम। ठीक है सर, मैं भी फोन करता हूँ। जाइए जाइए। जी हाँ मिस्टर मेहरा, अभी बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अंजलि ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया, और कातिल है विलास। लेकिन क्यों, क्यों आखिर क्यों? दिनेश, मैं तुम्हारी पत्नी पर लांछन नहीं लगाना चाहता, लेकिन हो सकता है कि ये विलास कॉलेज के जमाने से अंजलि से प्यार करता हो, इसलिए शायद तुम्हारी शादी से जल गया हो, इसलिए शायद बदला लेने के लिए उसने ये खून कर दिया हो। लेकिन क्या मिला उसे खून करके, क्या मिला? खन्ना साहब, अब मुझे याद आया, ये विलास का फोन अंजलि के लिए आया करता था। अच्छा, लेकिन अंजलि उसे बात करने से इनकार करती थी। ओ, मेरा पास चलता तो मैं उसे। दिनेश, अब इन बातों से क्या फायदा, जाने वाले तो चले गए, वापस नहीं आ सकते। लेकिन लेकिन इस दुख का क्या करूं, क्या करूं इस दुख का जो अंजलि मेरे दिल में छोड़ गई है। नहीं, मेरी अंजलि मुझसे दूर नहीं जा सकती, मेरा दिल कहता है मेरी अंजलि अब भी यहीं है, बस
बस यहीं कहीं है। नहीं बेटे अंजलि, ऐसा नहीं कहते बेटे। अंजलि धीरज रखो। अंजलि हेलो। हेलो दिनेश, मैं अंजलि बोल रही हूँ। कौन? अंजलि, अंजलि बोल रही हूँ दिनेश। अंजलि, अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि डैडी, 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 डैडी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ उसका फोन आया था। माँ उसने मुझसे फोन पे बात की। माँ किसने? अंजलि ने। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। बेटा होश में आओ, अंजलि कैसे फोन कर सकती है? वो तो बेचारी मर चुकी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसने मुझसे। भैया, what are you saying? How is this possible? मेरा बेटा बावला हो गया बेटा। माँ मैं सच कह रहा हूँ माँ, वो अंजलि थी। ये तू क्या कह रहा है बेटे? सुनिए, मुझे लगता है कोई बंदा मजाक कर रहा है हमारे साथ। सैम डिसिल्वा, सैम डिसिल्वा को बुलाइए। फोन कीजिए जल्दी, फोन कीजिए उसे, फोन कीजिए ना। अभी करता हूँ फोन। मिसेस मेहरा, ये कैसे हो सकता है? अंजलि का फोन से बात की फोन पर। दिनेश, आई डोंट बिलीव इट, आई रियली डोंट बिलीव इट। अरे अंजलि तो वैसे भी अब इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने कोई सपना नहीं देखा सैम साहब, ये सच्चाई है, वो अंजलि ही थी। क्या बात कर रहे हो दिनेश तुम? आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं? हेलो। हेलो दिनेश, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि कहाँ हो तुम? अंजलि मुझे बताओ कहाँ हो तुम? अंजलि, किसी को विश्वास नहीं हो रहा अंजलि कि तुमने मुझसे बात की थी। दिनेश मैं तुम्हारी हूँ, मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं। अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि तुम कहाँ हो? हेलो हेलो, अरे भाई बात करो, कोई बात नहीं कर रहा। हेलो हेलो अंजलि, कोई अंजलि नहीं है। मैंने अभी उसे बात की है डैडी। तो मुझसे बात क्यों नहीं की? ये क्या हो रहा है सैम साहब? मिस्टर मेहरा, टेलीफोन एक्सचेंज से फोन करके पता कर लेते हैं ये फोन कहां से आया, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। हेलो अंधेरी टेलीफोन एक्सचेंज। हाँ जॉर्ज जी, मैं सैम डिसिल्वा बोल रहा हूँ। देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे एक टेलीफोन नंबर पर नजर रखने के लिए कहा था, तुमने रखी। हाँ अभी अभी जो फोन आया था वो कहां से आया? क्या बात करते हो यार, अभी बात की है? वेरी स्ट्रेंज, कोई टेलीफोन नहीं आया। माय गॉड, हाउ इज दैट पॉसिबल? सैम, रूहों की कॉल्स का पता नहीं लगाया जा सकता। हाँ, मैं रूहों पे विश्वास नहीं करता। नो नो, मेरा साहब आप एक्सटेंशन पर जाइए, फोन उठाएगा नहीं अभी, दोनों एक साथ फोन उठाएगा, उठाइए। हेलो हेलो अंजलि, मेरी कॉल ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दिनेश, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो उस जगह आ जाओ जहां हम पहली बार मिले थे, उसी स्कूल में जहां हमारा प्यार परवान चढ़ा था। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ अंजलि, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अंजलि। नहीं नहीं दिनेश, नहीं गोपी, लेट्स गो। क्या ये सचमुच अंजलि का फोन था? हाँ ये अंजलि की आवाज थी।
अंजलि, अंजलि, रुक जाओ अंजलि, अंजलि, तुम कहाँ जा रही हो अंजलि? मैं आ गया हूँ अंजलि, मैं आ गया हूँ। दिनेश, क्या हुआ, क्या हुआ? वो आई थी, वो आई थी। तो आई कहां थी? हाँ, मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, अकेले। सैम साहब, जो भी हुआ गजब से कम नहीं। हाँ, वो हूबहू अंजलि जैसा बोल रही थी, लेकिन सैम साहब, अंजलि तो भूत प्रेतों में तो मैं भी विश्वास नहीं करता मेहरा साहब, लेकिन फिर भी, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे करिश्मे हैं कुदरत के जो हमारी समझ के बाहर हैं। मतलब अंजलि अब क्या करना क्या चाहती है? मुझे लगता है अंजलि की अशांत आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या? क्या गोपी, क्या? क्या? हेलो, हेलो दिनेश। अंजलि तुम कहाँ हो? अंजलि, दिनेश मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। तो फिर बार बार फोन क्यों करती हो अंजलि? मिलो ना मुझसे, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। अंजलि, दिनेश, मैं तुम्हें अपने कातिल का नाम बताना चाहती हूँ। कौन है तुम्हारा कातिल अंजलि? कौन है जिसने तुम्हारा खून किया, बताओ मुझे। दिनेश, कल तुम सबको बुला लो, मैं सबके सामने आऊंगी रात के ठीक 12 बजे, और मैं इशारे से तुम्हें बता दूंगी कौन है मेरा कातिल। मेरी उंगली उठाने पर जिसके चश्म पर लाल रंग नजर आए, वही मेरा कातिल है, वही मेरा कातिल है। मुझे तो मेरा और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे लगता है कोई आत्मा वात्मा यहां आने वाली नहीं है। कन्हा अंकल, अंजलि ने कहा है वो आएगी, वो जरूर आएगी।
अंजलि, किसने खून किया तुम्हारा? बताओ अंजलि, कौन है तुम्हारे कातिल? अपने बेटे को, ये तो बिल्कुल बावला। आपकी कमीज पर खून, साहब मेरा, मैं नहीं जानता ये कहां से आया। लेकिन अंजलि ने तो कहा था कि जिसके जिस्म पर खून का दाग होगा वही उसका। ओ माय गॉड डैडी, आपने उसका? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेहरा साहब, what nonsense, क्या बात कर रहे हैं आप? सब बेवकूफी की बातें कर रहे हैं आप। रूहानी बातों को बेवकूफी की बातें कहते हैं? मेहरा साहब, रूहों के लगाए हुए दागों को मिटाया नहीं जा सकता। क्या फजूल बात कर रहा है ये आदमी? सैम साहब, मैं अंजलि का, जो मेरी बेटी जैसी थी, मैं अपनी बहू का खून कर सकता हूँ क्या? यही मैं सोच रहा हूं। आप उसका खून क्यों करेंगे? क्यों? वो आपकी सेवा करती थी, आपके लिए वो बेटी से भी बढ़कर थी, फिर भला आप उसका खून क्यों करेंगे? लेकिन फिर भी अंजलि का लगाया हुआ निशान मुझे सोचने पर मजबूर करता है मेहरा साहब, कि कहीं आपके अंदर रुपयों का लालच तो नहीं था। मैं लालच क्यों करूंगा? मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ होता है ना मेहरा साहब, अक्सर उन्हीं को लालच ज्यादा होता है। उनके ख्याल दकियानूसी भी तो हो सकते हैं, हैं गोपी? दकियानूसी से क्या मतलब? दकियानूसी मेहरा साहब, दकियानूसी वो जो बाहर से पढ़े लिखे मॉडर्न लेकिन अंदर से वैसे ही पुराने ख्यालात वाले, जो कि अपने बेटे को बेटा नहीं समझते, रुपया कमाने की मशीन समझते हैं। रुपया कमाने की मशीन? जी हाँ, रुपया कमाने की मशीन, डाउरी, दहेज के जरिए रुपया कमाने की मशीन। मैंने दिनेश की शादी में एक रुपया नहीं लिया था। कितनी मजबूरी थी, अंजलि के पिता बेचारे दहेज देने के काबिल नहीं थे, और बेटा ऐसा था कि अंजलि से बेइंतहा प्यार करता था और दहेज देने वाली किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने को भी तैयार नहीं था। तो करें तो क्या करें, चलो शादी हो लेने देते हैं, ले आते हैं बहू को घर में, बहू को घर में ले आते हैं और कहते रहते हैं बेटी 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 बेटी, और अंदर से प्लान चलता रहता है कि कब इस बेटी को गायब करें। बाहर से प्यार का नाटक चलता रहता है और अंदर एक प्लान चलता रहता है, मर्डर का प्लान। जी हाँ, मर्डर का प्लान। गुंडा हायर किया जाता है मेहरा साहब, प्रोफेशनल किलर। उस दिन जब अंजलि होटल के लिए घर से रवाना हुई, दिनेश उस दिन दफ्तर से घर के लिए रवाना होने को तैयार हो रहा था कि आपने उसे रोका थोड़ी देर के लिए। उस थोड़ी देर में गुंडा होटल में पहुंच गया, उसने जला दिया, मार दिया, खत्म कर दिया अंजलि को। ये सब झूठ है? ये झूठ नहीं है, ये सच है, सारा सर सच है। क्योंकि डाउरी देने के लिए आपके अजीज दोस्त खल्ला साहब पहले से तैयार बैठे थे, अब भी तैयार बैठे हैं।
झूठ है, बकवास है, मैंने ऐसा कुछ। अंजलि को रोको, कोई रोको रोको, अरे रोको कोई इसे, अरे दिनेश तुम रोकते क्यों नहीं, अरे रोको रोको दिनेश, प्लीज रोको इसको, बचाओ बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ, ये महाराज साहब बचाओ, वरना ये आपको भस्म कर देगी जैसे आपने इसे भस्म करवाया था। अरे मुझे माफ करो बेटी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे बेटी माफ करो, मुझे बेटी माफ करो, मेरी पूछी माफ करो, मैंने तुम्हारा खून किया, मुझे माफ करो बेटी, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारा खून किया। लेकिन क्यों डैडी क्यों? तुम जिंदा हो अंजलि, तुम जिंदा हो? हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं। तुम जिंदा हो अंजलि, अंजलि ओ अंजलि। ये क्या मजाक है सैम साहब, आपने मुझे फंसाया। जी हाँ मेहरा साहब, ये खेल तमाशा हमारा ही रचाया हुआ था। ये बादल, ये बिजली, ये तूफान, ये पेड़ों में हवा की हलचल, ये चमकती हुई बिजली और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट, ये धरती पर बिछे हुए कोहरे पर अंजलि का आना, अंजलि और मेहरा साहब, ये आपकी कमीज पर खून का दाग, और वो टेलीफोन कॉल्स, अंजलि की आत्मा के टेलीफोन कॉल्स, ये सब हमारा ही रचाया हुआ था ताकि आपकी असलियत दुनिया के सामने आ सके। सैम साहब, मैंने ही आपको तहकीकात के लिए मुकर्रर किया और आप मुझसे ही मजबूरी में। अगर आपका बस चलता मेहरा साहब तो आप इस खून को खुदकुशी ही रहने देते, लेकिन दिनेश को न जाने क्यों यकीन था कि अंजलि का खून हुआ है, इसलिए ये बार बार तहकीकात के लिए जोर दे रहा था, लेकिन आप बार बार इनकार नहीं कर सके, कहीं बेटे को शक ना हो जाए, इसलिए आपने मुझे और गोपी को बुलाया ये तहकीकात करने के लिए। लेकिन इस दौरान आपके दिमाग में एक नया प्लान जन्म ले चुका था, हमें गुमराह करने का प्लान। इंस्पेक्टर, इसे पहचानिए बेरा साहब, ये रिसेप्शनिस्ट आपका पुराना साथी, जिस दिन हम होटल में गए उस दिन आपने इसे दरवाजे के बाहर खड़ा रखा था। तुम कौन हो ताकि यह पकड़ा जाए और हमें गुमराह कर सके? सर, मिस्टर मेहरा के आने से पहले अंजलि से मिलने कोई दूसरा आदमी आया था। वारदात की रात, जिस रात अंजलि की मौत हुई? जी। कौन था, कैसा था? सर, वो कुर्ता पजामा पहन रखा था और आंखों में चश्मा लगाया हुआ था। नंबर वाला चश्मा? नहीं सर, काला चश्मा। यस, आप ही विलास हैं? जी हाँ। जस्ट वेट, प्लीज वेट फॉर मी, गिरफ्तार करेंगे मुझे। Oh God. गोपी, विलास ने खुदकुशी की? नहीं मेहरा साहब, खुदकुशी नहीं। जैसे ही विलास कमरे में गया और उसने दरवाजा बंद किया, क्या आपके इस गुंडे ने विलास पर हमला कर दिया और इसी ने विलास का खून किया था, और इसे पहचानते हैं मेहरा साहब, होटल सी व्यू का बिल है जहां आपने इसके साथ बैठकर अंजलि का मर्डर प्लान किया था। ये शगुन है और बाकी दहेज के बाद। मे आई कम इन सर? कम इन साहब, आपका बिल। इस बिल पर आपके सिग्नेचर हैं। डेट देखेंगे आप, जिस दिन अंजलि का खून हुआ उससे एक दिन पहले की डेट है।
लेकिन मिस्टर सैम डिसिल्वा, अंजलि तो जिंदा है, आप मुझ पर इल्जाम लगा ही कैसे सकते हैं? जी हाँ, अंजलि तो जिंदा है, लेकिन कोई तो थी जो उस रात मर गई। तो फिर वो कौन थी? मैं जानता था कि अंजलि के पिता हमसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन क्या ये जानने के लिए मैं दोबारा इनसे मिलने गया और मैंने इनसे पूछा, गोपाल जी आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। आप कुछ जानते हैं जो हमें बताना नहीं चाहते? मैं कुछ नहीं जानता। अंजलि की मौत का कोई राज है जो आप हमें नहीं बताना चाहते? कोई राज नहीं है। तो फिर आप हमें कंचन से क्यों नहीं मिलने देते? आप कंचन से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि कंचन यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? क्योंकि कंचन मर चुकी है। मर चुकी है? तो फिर अंजलि? वो अंजलि नहीं थी। वो अंजलि नहीं थी, वो मेरी बेटी कंचन थी। कंचन मर गई। मेरी बेटी कंचन मर गई। इन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही अंजलि की छोटी बहन कंचन कानपुर से छुट्टियों के लिए यहां आई, कंचन तुम अभी तो कानपुर से आ रही हो। तो क्या हुआ डैडी? मैं आज अंजलि को मिलने जरूर जाऊंगी। देखो बेटी, अंजलि और दामाद शनिवार इतवार को दो रोज मर्डरलैंड के होटल में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। डैडी मैं अपने जीजा की छोटी साली उनसे मिलने जरूर जाऊंगी, ठीक है? मगर बारिश पड़ रही है ना बेटी। अरे डैडी आप चिंता मत करो, मैं पहुंच जाऊंगी। बाय। ठीक है बेटी। अरे अंजलि, कंचन कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अचानक? हाँ, मैं कानपुर से अभी लौटी और मुझे पता चला कि तू और जीजा यहीं रुके हो। I could not wait to see you यार। अरे जीजा कहाँ है? वो अब तक नहीं आए। अरे लेकिन तू तो पूरी भीगी हुई है। जी हाँ, सर्दी लग जाएगी। रुक, मैं तुझे अपनी एक साड़ी देती हूँ। ओ वाह, ले, मैं तैयार हो गई। बहुत अच्छी लग रही हो। चल मैं भी नहा धोकर तैयार होती हूँ, तेरे जीजा जी आते ही होंगे। ठीक है तू जा। भूख लगी है? हाँ। आ? हाँ। ये ले, ऑर्डर कर। ठीक है, तू जा नहा ले। हेलो रूम सर्विस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम 105। कैन यू प्लीज सेंड मी अ सैंडविच एंड ऑरेंज जूस प्लीज। थैंक यू। इसे बताया गया था कि कमरे में अकेली अंजलि होगी, लेकिन जब ये कमरे में गया तो वहां अकेली कंचन थी, अंजलि की साड़ी पहने। इसने आओ देखा ना ताओ अंजलि समझकर कंचन को जला दिया। जब अंजलि वहां आई तो इसने अपनी बहन को जलकर मरते हुए देखा। ये अपने होशो हवास खो बैठी और भागती हुई अपने बाप के पास पहुंची। गोपाल जी फौरन समझ गए कि कोई कंचन का नहीं अंजलि की जान का दुश्मन है। उसे जब पता चलेगा कि अंजलि अब भी जिंदा है तो एक बार फिर उसे मारने की कोशिश करेगा। कंचन इस कदर जल चुकी थी कि गोपाल जी ने यह कह दिया कि यही मेरी बेटी अंजलि है और सब मान गए, भ्रम बना रह गया। गोपाल जी अपनी एक बेटी खो चुके थे, दूसरी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए इन्होंने हमेशा के लिए अंजलि को दुनिया की आंखों से गायब कर दिया। घबराओ नहीं अंजलि, तुम्हारे पिताजी ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन इससे क्या फायदा? मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी। बहन तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आत्मा के साथ इंसाफ होगा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, कानून की जीत होगी। तुम्हें हमारा साथ देना होगा अंजलि, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। और इस तरह अंजलि ने हमारा साथ दिया और आप कानून के शिकंजे में आ गए। इंस्पेक्टर। यस सर। बेटी मुझे माफ कर दो। एक पराए घर की बेटी बहू होकर हमारी बेटी बनकर रही और आप पिता ना बन सके। ससुर रहे एक लालच का भूखा ससुर। अरे आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करता तो क्या होता? ले जाइए इंस्पेक्टर, इन्हें ले जाइए, ले जाइए।
अंजलि, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है सैम। चलो भाभी,